एकता समाचार में सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, धन्यवाद। प्रतापगढ़ जिले की धरियावत विधानसभा उपचुनाव में डूंगरपुर जिले के कार्यकर्ताओं ने भाजपा प्रत्याशी खेत सिंह मीणा के समर्थन में की नुक्कड़ सभाएं। इस दौरान पाटसुला के कार्यकर्ता नवीन पंचोरी, सुधीर जैन, गेंदमल मीणा ने बताया कि उपचुनाव में भाजपा को जनता का अपार समर्थन मिल रहा है एवं निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी यहां से भारी मतों से जीतकर पूर्व विधायक गौतम लाल मीणा को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करेंगी। इस अवसर पर जिला प्रमुख सूर्या देवी अहारी, सीमलवाड़ा प्रधान कारी लाल, सागवाड़ा प्रधानेश्वर लाल सरकोटा, एसटी मोर्चा जिला अध्यक्ष कांतिलाल डामोर, नयन कटारा डूंगरपुर, अल्पसंख्यक मोर्चा जिलाध्यक्ष राजू भाई शेख बर्तनवाला, एसटी मोर्चा जिला मीडिया प्रभारी वासुदेव बरजोट, कांतिलाल वकील कमल प्रकाश, विकास उपाध्याय, राजय बारी, श्याम भट्ट, ताजिंग भाई, योगेश, राजभद्र सिंह, नानू राम लबाना, गोविंद राजेंद्र पाटीदार, पूर्व प्रधान हितेश, राजेश पाटीदार, तक सिंह सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। नमस्कार दोस्तों, एकता समाचार में आप सभी का स्वागत है। आज हम खड़े हैं प्रतापगढ़ जिले के दरियावाद विधानसभा क्षेत्र, जहां उम्मीदवार खेत सिंह जी के समर्थन में पूरा डूंगरपुर जिला आया है। इसी विषय में हम आपको रूबरू करवाते हैं जनजाति मोर्चा के जिलाध्यक्ष भाई कांतिलाल जी से। कांतिलाल जी, एकता समाचार में स्वागत है आपका, आपकी पूरी टीम आई है, इसके बारे में बताइए। भाई साहब, एकता समाचार को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज राजस्थान विधानसभा के उपचुनाव दरियावाद क्षेत्र में डूंगरपुर जिले के हमारे महामंत्री जी, उपाध्यक्ष जी ताजिंग भाई, महामंत्री जी नानुराम जी परमार, सूर्या जी आहरी जिला प्रमुख जी और सारे दायित्ववान कार्यकर्ता, प्रधान जी सागवाड़ा, हम सब लोग डूंगरपुर जिले से इस सिमलवाड़ा प्रधान जी, कारीलाल जी और सारे दायित्ववान महत्वपूर्ण कार्यकर्ता दरियावाद उपचुनाव के इस पारसोला क्षेत्र में दिए गए संगठन के द्वारा दायित्व का निर्वहन करने के लिए हम आए हैं। और यहाँ 23 बूथ हैं और 7 पंचायतें हैं और सभी कार्यकर्ताओं को उन पंचायतों में और बूथों में विभाजन करके 28 तारीख तक हम यहाँ रह करके पूर्ण रूप से भाई खेत सिंह जी मीणा को भारी बहुमत से जिताने का हमारा प्रयत्न करेंगे। और राजस्थान की निकम्मी और भ्रष्ट सरकार के कारनामों को जनता के सामने उजागर करेंगे। और पिछली रीट परीक्षा जो हुई है हमारे युवाओं के साथ, 24 लाख युवाओं के साथ जो कुठाराघात किया है और जो चीटिंग की है, ये हम जनता के सामने उजागर करेंगे। युवाओं का जोश हम भरेंगे और इस सरकार के खिलाफ मतदान करा करके भाई खेत सिंह जी को जिताएंगे। इसी तरह यहाँ जातिवाद का जो जहर फैलाने का काम कर रही है आदिवासी परिवार और BTP के नाम से जो जहर फैलाने का काम कर रहे हैं, उसमें भी हम सौहार्द बनाने का प्रयत्न करेंगे। शांति अमन चैन बने, सर्व समाज को साथ में लेकर के चलने वाली भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से जिताने की हम अपील और गुजारिश करेंगे। और भगवान से प्रार्थना भी करते हैं कि हमारे ये कार्यकर्ताओं का जो श्रम है और ऊर्जा है, वो निश्चित बात है कि भारतीय जनता पार्टी को ऊंचाइयों पर ले जाएगी। और विधानसभा में इस चुनाव से कोई सरकार बनेगी नहीं और सरकार जाएगी नहीं, लेकिन एक मैसेज पब्लिक में जरूर जाएगा राजस्थान और देश में कि निकम्मी गहलोत सरकार के कारनामे पिछले 3 सालों में क्या हुए, इसको उजागर करने के लिए हमको, भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए हमने कमर कस ली है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ एकता समाचार के माध्यम से कि हम सब मेहनत करें और सभी जनता जनार्दन, इस क्षेत्र से भी अपील और गुजारिश करूंगा कि अधिक से अधिक भारतीय जनता पार्टी को आप मतदान दे करके भारी मतों से भाई खेत सिंह जी को विधानसभा में भेजें और यहाँ के क्षेत्र की विकास की गंगा को बहाएं, ऐसा मेरा आग्रह और अपील है। हमारे बीच में हमारे जिला उपाध्यक्ष जी भाई श्री ताजेंद्र जी, उनसे भी निवेदन करूंगा कि आप भी अपनी बात रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। हम सारे डूंगरपुर जिले से, सारे विधानसभा से हमारे प्रमुख कार्यकर्ता जो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, कुछ रास्ते में भी चल रहे हैं और भी कार्यकर्ता आने वाले हैं। हमारे यहाँ जैसे दरियावाद विधानसभा के उपचुनाव, एक वल्लभ नगर में भी उपचुनाव है, कुछ कार्यकर्ता हमारे वहाँ भी गए हुए हैं प्रचार प्रसार के लिए। जैसे संगठन के निर्देश मिले हैं कि हमें आज से 28 तारीख तक शाम की 5 बजे तक जो मंडल हमें ये पारसोला के जो 23 बूथ है, 7 पंचायत हैं, तो उसमें डोर टू डोर जाकर हमारे सारे प्रमुख लोग
सर्व समाज से लोग यहाँ कार्यकर्ता पधारे हैं। जिस वर्ग के लोग जिस वर्ग में जाना पड़े ऐसी व्यवस्थाएं हमारे यहाँ पर बनाई हुई है और हम चाहते हैं कि ये उपचुनाव जीतकर पूरे प्रदेश में एक संदेश दें कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आज भी लोगों की भावुकताएँ बनी हुई है। जैसे कांग्रेस सरकार की विफलता में हमारे प्रदेश संगठन द्वारा 28 तारीख को एक धरना प्रदर्शन भी पूरे प्रदेश में उपखंड स्तर पर दिए जाने वाला है, क्योंकि सरकार के ये 3 साल के कार्यकाल में कुछ भी काम नहीं हुआ है और होने वाला भी नहीं है। सरकार खुद अपने आप में उनके अंदर के अंदर ही हिल रही है। मैं आह्वान करना चाहूँगा इस उपचुनाव के माध्यम से कि आने वाले समय में प्रदेश की जनता ये कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकेगी और ये दोनों सीटें उपचुनाव वाली भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएगी। यहाँ के हमारे उम्मीदवार भाई श्री खेत सिंह जी मीणा, इनके पक्ष में हम प्रचार प्रसार करके भारी बहुमत से इनको जिताने के हम सारे कार्यकर्ता और यहाँ के कार्यकर्ताओं से मिलकर पूरी कोशिश करेंगे और भारी बहुमत से जिताकर विधानसभा जयपुर में हम उन्हें भेजेंगे। ये आप सबका, यहाँ के कार्यकर्ताओं का और ये जो हमारे बाहर से पदाधिकारी सारे पधारे हैं उन सबका आशीर्वाद से भारी बहुमत से हम जिताएंगे। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रधान जी, बिल्कुल हमारे डूंगरपुर की पूरी टीम, भारतीय जनता पार्टी के सभी दायित्ववान कार्यकर्ता इस पाठशाला में उपस्थित हैं और इस उपचुनाव को लेकर के कार्यकर्ताओं में बहुत बड़ा उत्साह है, क्योंकि कांग्रेस की 3 साल की जो सरकार है, निकम्मी सरकार, जिसने किसानों के साथ में बहुत बड़ा कुठाराघात किया था। इन्होंने बोला था कि 1, 2, 3, 4, 10 दिन में कर्जा माफ। आज कार्यकर्ता के पूछना चाहता है इस क्षेत्र की जनता से, यहाँ के किसानों से पूछना चाहता है कि क्या कांग्रेस ने कर्जा माफ़ किया? इस बेरूपी सरकार अभी वो स्टेबल नहीं हो पा रही है। 3 साल की सरकार ने आज यहाँ डेरे डाले, कल वहाँ डेरे डाले, कोई भी मंत्री उनका काम दायित्ववान नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो सरकार जो है वो आपस में ही लड़ लड़ के 3 साल निकाल दिए। वो जनता का क्या भला करना चाहेंगे? और हमारे क्षेत्र में जो दायित्ववान कार्यकर्ता प्रधान जी और हमारे बीच में जिला प्रमुख जी सब हमारे साथ में है, हम यहाँ के कार्यकर्ताओं को साथ में ले करके इस क्षेत्र के युवाओं को ये बताना चाहेंगे कि आपका यहाँ पे कांग्रेस में कोई भला नहीं हो सकता। यहाँ भारतीय जनता पार्टी की वापस उपचुनाव की दोनों सीटें जीतेंगे, ऐसा उमंग और उत्साह हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में है। और इसको लेकर के सरकार न बननी है न बिगड़नी है, लेकिन आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का शासन आएगा और निश्चित रूप से एक सुदृढ़ सरकार देंगे, ऐसा हम इस क्षेत्र की जनता को बताना चाहते हैं और आह्वान करना चाहते हैं कि कांग्रेस के इस नापाक मनसूबों को ख़त्म करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें। जय।